देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। गुरदासपुर के बटाला में सिविल लाइन पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई मुहिम के तहत नाके दौरान 3 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से 10 ग्राम हीरोइन और 195 के करीब नशीली गोलियां बरामद की है। पुलिस ने तीनों दोषियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान पकड़े गए तीनों दोषियों में से एक दोषी पर पहले से एक क्रिमिनल केस दर्ज बताए जा रहे हैं। बटाला पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत सिविल लाइन थाना के अधिकारियों ने नाके के दौरान अलग अलग जगहों से 3 लोगों को 10 ग्राम हीरोइन और 195 के करीब नशीली गोलियों के साथ काबू किया है। सिविल लाइन थाना के SSO परमजीत सिंह ने बताया कि इन तीनों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत केस नंबर 251 दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही SHO ने बताया कि इन तीनों दोषियों में से एक दोषी दलबाग सिंह बागो ने अमृतसर जेल में बंद एक कैदी को इलाज के दौरान अस्पताल से भागने में मदद की थी, जिसका इस पर पहले से ही क्रिमिनल केस भी दर्ज है। सोनू उर्फ बैटरी पुत्र सतपाल गांधी कैंप नो 95 नशीले कैप्सूल समेत काबू किया। दौराने पुछे जो दलबाग सिंह बागा दोषी है, इन्हें भी गल अमृत आई है कि अमृतपाल सिंह पाली 10 साल का ड्रग के सजा भुगत रहा, जो जीरे इलाज गुरु नानक देव अस्पताल सी ने 4 दिसंबर नो जसपाल सिंह इस जस्सा वासी कुहाड़ दे नाल मिल के उहदी हथकड़ी कट के ते 5 तरीक नू सुबह 4 बजे गार्ड नू चकमा दे के उहनू भजाउण विच भी सफल होया। NDPC नंबर 251 इस संबंध विच मुकदमा नंबर 251 थाना सिविल लाइन बटाला दर्ज कीता गया।